हमारे तीरंदाज तैयार है। गाइज हम लोग यहाँ पे लोकेशन पे पहुंच गए हैं और एक और नई लोकेशन। ये देखो यहाँ पे जैसे अपनी तरफ में पेड़ पे चिड़िया घोंसले नहीं बनाती है, उस टाइप का घोंसला भी यहाँ पे सेल होता है। ये देखो क्या हुआ, लड्डू क्या हुआ भाई? ये हम मडुपट्टी डैम पहुंच गए हैं। मडुपट्टी डैम यही है केरला में मुन्नार में। मैं लास्ट टाइम आया तो भाई यहाँ पे बहुत कम पानी था, लेकिन अब पानी इतना हो गया जहाँ पे जाने का रास्ता था वहाँ पे पानी ही पानी है, जाने का रास्ता ही नहीं बचा है। जो हमारे पार्टनर है वो गुम हो चुके हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। भाई ये पानी स्टोरेज है मडुपट्टी डैम का उस साइड में, और ये बोटिंग हो रही है यहाँ पे। और भाई सबसे बड़ी बात है यहाँ नेटवर्क नहीं है, और जो हमारे साथ वाले वो गायब हो चुके हैं, तब उनको ढूंढना भी एक चैलेंज ही होगा। और भाई ये लोग मिल गए हमें फाइनली बहुत ढूंढने के बाद। और ये अब बोटिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, भाई पूछते हैं बोटिंग का क्या रेट है, कैसे क्या है और कितनी देर करवाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये, तो मुझे लगता है यहाँ पे शायद एक ही राउंड करवाते हैं। बस भाई ऐसा किया जाए क्या, वहाँ करते हैं बोटिंग यार, यार लाइन भी लंबी है भाई। ठीक है, एक बोटिंग पॉइंट वो भी है फैमिली के लिए सामने अपोजिट साइड में। हाँ, और भाई अब हम जाने वाले हैं जो बोट दिखी है उधर, वो भी बोटिंग पॉइंट है। मैं पहले गया हूँ जो पहली बार आया था। और ये भाई नज़ारा है अच्छा है, हर तरफ बादल ही बादल है। पिछली बार आया था यहाँ पे तो जहाँ पे बोट है यहाँ तक खाली पड़ा था और पानी बस नाम नाम का ही था। और ये जो डैम है, चलिए अब डैम की तरफ चलते हैं। और भाई अब हम चलते हैं डैम की तरफ, जो मेन डैम है यहाँ पे, तो पानी का स्टोरेज है। अब जो मेन डैम है जहाँ से पानी गिरता है, बिजली बनती है, अब उस वाली लोकेशन पे जा रहे हैं। बाकी यार आप देख ही चुके हो भाई, लोकेशन बहुत अच्छी है, घूमने लायक जगह है। और अगर आप आना चाहो तो कम से कम भाई 4 दिन का स्टे कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो जगह है वो आप 1 या 2 दिन में नहीं देख पाओगे, क्योंकि चारों दिशाओं में 4 रोड है भाई। एक कोयम्बटूर की साइड जाता है, मतलब तमिलनाडु की साइड, एक कोच्ची की साइड से आता है, और एक फिर ये मालापट्टी डैम की साइड है, और एक और है। हर तरफ झरने हैं और हर चीज़ है, तो अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। लड्डू इस साइड। भाई ये डैम है बंद कर रखा है ना अभी, इस साइड ही नहीं है, उस साइड से आएगा पानी, बस उस साइड से। ठीक है, उसी साइड गिरेगा, पानी नहीं है। ठीक है, डैम बंद है भाई। और अब चलते हैं भाई वापस। ये हमारी श्रीमती जी जा रही है क्या करने, निशाना लगाने, गुब्बारा फोड़ने। भाई देखते हैं क्या जीतती है। अब चलिए चलते हैं, आजा, शायद ये जीतने वाली नहीं है। और भाई सामने नेचर व्यू, ठीक है, अभी देखते हैं भाई ये तीरंदाजी भी हो रही है वहाँ पे। भाई हमारे शूटर भाई खड़े हो गए हैं, चलाया नहीं गए, चलाने में तो माला गुब्बारा फोड़ दिया। और ये भाई चल मार, नहीं फूटा, कोई नहीं अगला शॉट ले ले, दिखते थोड़े हैं। चल कंधे का लगा ले, इसने कंधे ने लगा ले, तो गलते ने ऐसे कर लेना यार, नहीं तो आठ आग लग गई तेरा, चोट लग जाएगी, नहीं लगेगी वैसे, चल चल ये यार। ये हमारे नए प्लेयर शुरू होते हैं फोड़ने के लिए गुब्बारा, ये फोड़ दिया।
ये अमित ने गुब्बारा फोड़ दिया और हम सब फ्लॉप हो गए मैं फिर से ट्राई करूं? नहीं यार, मुझसे ये संभलता भी नहीं है गन। एक और फोड़ दिया मुझसे। एक्चुअली ये वेट नहीं है। हाँ, ये लोग यहाँ पर ऐसे लगे कि इनका खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। गुब्बारे खत्म हो गए हैं गाइस, बट इन लोगों का खत्म नहीं हुआ है। इनका क्या सीन है? चलो अब निकले यार यहाँ से। जब मैं कर रही थी तब तो लेट हो रहे थे, अब तू कर रहा है तो अब लेट नहीं हो रहे हैं। तू गुब्बारा बता, गुब्बारा बता। वो सबसे ऊपर व्हाइट, देखती हूँ फूटेगा कि नहीं। गाइस आप लोग भी देखना, ये फ्लॉप।